मथुरा में देर रात नगला रामदास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान वृंदावन इंस्पेक्टर भी गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक दिन पहले ही आश्रम में लूटपाट की थी। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश एक बार फिर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना पे इसकी पूरी घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा फायर किया गया, जो हमारे इंस्पेक्टर वृंदावन के बाएं हाथ में इंजरी है, बुलेट इंजरी। उन्होंने अपने आत्मरक्षा में क्रॉस फायर किया, जिससे इसके पैर में गोली लगी और घायल हुआ है और हमने इसको मौका देकर दबोचा है। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। मथुरा से मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी।